दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मखाने के क्या क्या उपयोग हैं। ये छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद जो ये आपको मखाने दिख रहे हैं दोस्तों, ये गुणों का भंडार है। भरपूर मात्रा में मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक होता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों, जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उन्हें मखाने को अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। चाहे नाश्ते में करें, चाहे आप इसे लंच में लें, डिनर में लें, या किसी भी तरह के रूप में आप इसे लें। आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे थोड़े से घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, सेक सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो मखाने को पीस कर ग्राइंड करके बढ़िया अच्छा इसका पाउडर बना लें और उबलते हुए दूध में डालकर आप इसे ज़रूर लें। साथ ही यदि आप चाहें तो यदि दूध में मखाने डालना चाह रहे हैं तो मीठा करने के लिए आप यहाँ पर मिश्री लें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही लाभकारी है। मिश्री हमारे शरीर को ठंडक देती है और हाथ पैरों की जलन को शांत करती है, साथ ही साथ हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाती है। तो कुछ मखानों को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है और इस तरह से क्रश कर लिया है। तो किसी न किसी रूप में आपको इसे खाना है। ड्राई रोस्ट करें, घी में रोस्ट करें, सब्ज़ी में डालें आप मखाने को, या फिर मेरे जैसे इस तरह से क्रश कर लें, पाउडर बना लें। और इस पाउडर को जैसे कि हम दूध में डालते हैं ना दोस्तों, हॉर्लिक्स चॉकलेट पाउडर, आप उसकी जगह मखाने और मिश्री के पाउडर को दूध में डालें। तो जैसे ही दूध में उबाल आया दोस्तों, मैंने मखाने का पाउडर 2 चम्मच डाला है और साथ ही साथ कुछ खड़े मखाने भी डाल दिए हैं, क्योंकि जब इस दूध को हम पीते हैं ना दोस्तों, तो ये खड़े मखाने जब दूध में फूल जाते हैं अच्छी तरह से, तो इन्हें खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो गैस की फ्लेम स्लो कर दी है, स्लो फ्लेम पर आप इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लें। और मीठा करना है तो जैसा मैंने आपको बताया, मिश्री डालें। मीठा करने के लिए कभी भी शक्कर का इस्तेमाल न करें, शक्कर हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मिश्री तो गुणों का भंडार है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयुर्वेद के हिसाब से भी मिश्री हमारे कैल्शियम के स्तर को बढ़ाती है, हाथ पैरों की जलन को शांत करती है, और साथ ही साथ दोस्तों जो मिश्री होती है वह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो आप देख सकते हैं मखाने के मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई, और व्रत में भी मखाना खाया जाता है, मखाने की खीर बनाई जाती है। और जो मखाना आप लेंगे ना दोस्तों, आप कुछ दिन इसे लेकर देखें, किसी ना किसी रूप में लेकर देखें, आप देखेंगे हड्डियों के दर्द से आपको बहुत ही राहत मिलेगी। चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, या फिर आपको मांसपेशियों में खिंचाव हो या गठिया जैसी कोई बीमारी हो, उसमें आप मखाने का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है। और साथ ही इसकी एक विशेषता और है दोस्तों, कि इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं मखाने, हार्ट पेशेंट भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है मखाना खाने से, और साथ ही साथ वज़न कम होता है, इसलिए ले सकते हैं। और चलिए अब आपको मैं इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा बता दूँ। मखाना लेने से, मखाने वाला अगर आप दूध पीते हैं रात के समय, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी गहरी आती है। नींद गहरी आएगी दोस्तों तो आपको जो आपके स्ट्रेस दूर होंगे, और सुबह उठकर आप ताजगी महसूस करेंगे, फुर्ती महसूस करेंगे। तो मखाना खाने से जिन्हें अनिद्रा की परेशानी है, इनसोमेनिया की परेशानी है, वह मखाने वाला दूध ज़रूर लें। इससे उन्हें गहरी नींद आएगी, साउंड स्लिप वे ले सकते हैं।